गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस हाउ द नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम इज कैलकुलेटेड इन द इकोनॉमी, एंड देयर आर द थ्री मेथड्स. वन इज कॉल्ड एज द इनकम मेथड, सेकेंड इज द प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, एंड थर्ड इज द एक्सपेंडिचर मेथड. So today we are going to start, that is the measurement of national income with the income method. As the name indicates, in this income method, national income is generated among the factors of production, that is the four factors of production, in the form of wages, rent, interest and profit in the exchange of their factor services. So what it means? कि वेन द फैक्टर्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज कंसेप्ट, कि वेन द फैक्टर्स दे प्रोवाइड द सर्विसेज टू द फर्म, इन ल्यू ऑफ देयर सर्विसेज दे आर गेटिंग देयर इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, एंड द सम टोटल ऑफ ऑल दीज फैक्टर इनकम गिव्स यू द नेशनल इनकम. मीन्स नेशनल इनकम में हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम में वी आर एडिंग अप. नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री बाय रेंडरिंग देयर सर्विसेज. वट एवर द इनकम दे रिसीव्ड, दैट इज द सम टोटल ऑफ देयर इनकम इज कॉल्ड एज द नेशनल इनकम. और इसमें अगर डोमेस्टिक इनकम है तो इट मीन्स इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल दीज इनकम वेन वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट विच इज बींग जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय बोथ रेजिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेजिडेंट्स. ओके, अब वी आर गोइंग टू डिस्कस कि विच टाइप ऑफ फैक्टर पेमेंट्स आर द पार्ट ऑफ इट, कौन कौन सी फैक्टर पेमेंट्स को हमने एड अप करना है टू फाइंड आउट द डोमेस्टिक और नेशनल इनकम. So here are the factor payments or the factor income. First is called as the compensation of employees. Compensation of employee is the total reward, that is the remuneration in cash or kind or any other form of social security contribution which is given to employee by his employer for his services during an accounting year. मतलब कोई भी एम्प्लॉई अगर अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करता है और उस सर्विसेज के बदले उसको चाहे वो वेजेस कैश में मिल रही है, चाहे वो काइंड में मिल रही है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ किसी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के फॉर्म में मिल रही है, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ COE, दैट इज द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. लेट अस डिस्कस फर्स्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूड्स वेजेस इन कैश. These are the monetary benefits. Monetary मतलब जो money की form में उसको मिलते हैं, basic pay मिलती है, dearness allowance, that is the DA, ठीक है, महंगाई भत्ता, bonus मिलता है, commission, house rent allowances, all these are the monetary benefits which are given by the employer. Employer क्या होता है, मालिक, अपने employee को, subordinate को उसकी services के बदले में ये सारे monetary benefit देता है, then it is the part of compensation of employee. सेकेंड, वेजेस आर काइंड किसी फॉर्म में, नॉट इन कैश, नॉन मॉनेटरी है ये सारा. दीज आर द नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, कैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन, कि उसने अपने एम्प्लॉय को घर रहने के लिए दिया विदाउट रेंट, एम्प्लॉयर इज नॉट चार्जिंग एनी रेंट एंड एम्प्लॉय इज रिजाइडिंग इन दैट हाउस फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो उसकी रेंट फ्री अकोमोडेशन नॉन मॉनेटरी हो गया. फ्री कन्वेंस देता है उसको आने जाने के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज यानी कि रीइंबर्समेंट होती है अगर वो मेडिकल पे खर्चा करता है, फिर उसको व्हीकल दे रखा है, मोबाइल दे रखा है फॉर हिज पर्सनल यूज. सो दीज फैसिलिटीज आर व्हेन गिवन टू द वर्कर्स बट दे आर नॉट नेसेसरी फॉर द वर्कर, ठीक है, तो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द जॉब, देन दे आर टू बी द पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. देन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, थर्ड कंपोनेंट इज इट इज employers contribution to social security schemes. So these are the contributions which are made by the employer for the social security of the employees, matlab for the welfare,
सोशल वेलफेयर, टू प्रमोट द सोशल सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर, टू प्रमोट द सोशल वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज, फॉर एग्जाम्पल उसको प्रोविडेंट फंड, जब वो रिटायर हो जाता है उसको ह्यूज अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड इज गिवन, ग्रेजुएटी देती है, रिटायरमेंट पेंशन मिलती है उसको आफ्टर द रिटायरमेंट टिल हिज डेथ, और एनी अदर स्कीम विच इज गोइंग टू बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय, दैट इज कॉल्ड एज द सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर होना चाहिए. इफ द सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉय है कि एम्प्लॉय ने अपने वेलफेयर के लिए ही पैसा दे रहा है, तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. यू मस्ट बी अवेयर कि दिस इज द सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर होना चाहिए. नाउ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इंक्लूड्स द थ्री पार्ट्स. एक तो वेजेस जो उसको मिलती हैं एम्प्लॉय को इन कैश, सेकेंड इन काइंड, और एनी अदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स विच इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय. सो दीज थ्री इंक्लूडेड इन द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. ओके, अगर बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है, इट मीन्स ये तीनों कंपोनेंट्स दे आर इंक्लूडेड इन इट. सपोज इन योर न्यूमेरिकल इफ द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज गिवन एंड विद दैट यू आर गिवन वेजेस इन कैश, यू आर नॉट सपोज टू एड दिस वेजेस इन कैश बिकॉज वेजेस इन कैश इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. हाँ, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दे रखा है, देन यू हैव टू एड अप एनी ऑफ द कंपोनेंट्स विच इज गिवन एंड देन इट विल बी द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. ओके, देन कम टू द सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एज द ऑपरेटिंग सरप्लस, बी पार्ट. ऑपरेटिंग सरप्लस इज द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से उसको इनकम मिलती है रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट, एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप. इसका मतलब जो ऑपरेटिंग सरप्लस है वो दो तरह की इनकम ऐड करता है, एक तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सेकंड इज इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप को जो इनकम मिलती है एंटरप्रेन्योर को मैनेजमेंट के लिए, वो प्रॉफिट हो जाता है, और प्रॉपर्टी को जो इनकम है वो रेंट की फॉर्म में, रॉयल्टी की फॉर्म में, कैपिटल भी इसकी प्रॉपर्टी है, अब कैपिटल को इंटरेस्ट मिल जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द ओएस, द ऑपरेटिंग सरप्लस. अब रेंट क्या है, नाउ लेट अस डिस्कस द रेंट. रेंट इज द फैक्टर इनकम जनरेटेड फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ द लैंड और बिल्डिंग. मतलब अगर किसी बिल्डिंग का जो ऑनर है, अगर वो अपनी बिल्डिंग किसी और को देता है यूज करने के लिए, मतलब एनी अदर who is getting the services of the building, then the owner of the building will charge the rent. Owner of the building will receive the rent. Okay? So rental income includes the rent of lent out properties, actual rent, and the rent of the owner occupied properties. मतलब rent हमने imputed भी करना है और actual भी करना है. अगर आपने कोई अपनी building किसी को lent out कर रखी है, lent out मतलब किराए पे दे रखी है, तो वो रेंट तो आपको ऐड करना ही करना है. लेकिन इफ यू आर ओन ऑक्यूपाइड योर ओन बिल्डिंग, ठीक है, तो उसका इम्प्यूटेड रेंट, इम्प्यूटेड मतलब एस्टिमेटेड, कि अगर ये बिल्डिंग किराए पे दी होती तो इसको कितना किराया मिल सकता था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, वो इसमें भी ऐड करनी है. इसका मतलब जो रेंट है दैट इंक्लूड्स बोथ टाइप ऑफ रेंट, एक्चुअल एज वेल एज इम्प्यूटेड. सिमिलरली रॉयल्टी, रॉयल्टी इज द इनकम जनरेटेड फॉर ग्रांटिंग लीजिंग राइट और कॉपी राइट. आपने आपको किसी का दे रखा है या अपना राइट दे रखा है, तो जो उसकी इनकम होती है दैट इज द रॉयल्टी. रॉयल्टी टू बी एडेड द सेम एज रेंट इफ इट इज गिवन टू यू. देन थर्ड इंटरेस्ट, ये सारी प्रॉपर्टी की इनकम वी आर डिस्कसिंग. इंटरेस्ट इज द फैक्टर इनकम जनरेटेड फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ कैपिटल. मतलब जो कैपिटल का ऑनर होगा, अगर वो अपना कैपिटल किसी को देता है, बोरो करवाता है, तो उससे जो इनकम उसको मिलेगी दैट इज द इंटरेस्ट. इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट टू बी पेड बाय अ प्रोडक्शन यूनिट फॉर द यूज ऑफ कैपिटल वेदर बोरोड और प्रोवाइडेड बाय द ऑनर. सो मीन्स द सेम, द इंटरेस्ट पेमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स बोथ एक्चुअल और इम्प्यूटेड. तो इसका मतलब कि अगर किसी प्रोडक्टिव फर्म ने किसी कंपनी से बोरो किया है कैपिटल, पैसा बोरो किया, पैसा क्या है, मनी क्या है, कैपिटल है ना. वन प्रोडक्टिव यूनिफॉर्म ए ने बोरो किया है बैंक से,
एंड वो उसको इंटरेस्ट पे कर रही है बैंक को, तो वो इंटरेस्ट जो है दैट इज इंक्लूडेड। ओके, लेकिन अगर उसने बोरो नहीं किया, उसने अपना पैसा लगाया है, तो वो उसने कितना इंटरेस्ट सेक्रीफाइस किया है। अगर वो ये कैपिटल किसी को देता तो वट एवर द इंटरेस्ट चार्ज, मतलब वो हो गया उसका इम्प्यूटेड रेंट, मतलब इंटरेस्ट में, सॉरी इम्प्यूटेड इंटरेस्ट, इसका मतलब जो इंटरेस्ट है वो एक्चुअल और इम्प्यूटेड दो बोथ आर इंक्लूडेड इनकम, दैट इज द इनकम फ्रॉम द ऑनरशिप ऑफ कैपिटल। ओके, फिर आपका आ जाता है बेटा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज द फैक्टर इनकम जनरेटेड फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरशिप। जो एंटरप्रेन्योर होगा उसको जो इनकम मिलेगी वो आपकी प्रॉफिट हो जाती है, एंड द प्रॉफिट जो आता है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। वन इज डिविडेंड विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द शेयर होल्डर्स। सेकेंड इज द कॉर्पोरेट टैक्स, इट इज दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज पेड टू द गवर्नमेंट एज ए टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। एंड थर्ड इज द कॉर्पोरेट सेविंग और रिटेन्ड अर्निंग्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दे आर कॉल्ड एज। सो दीज आर द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट विच आर रिटेन्ड टू एक्सपैंड द बिजनेस और टू मीट द अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसिस। दिस वॉज द सेकेंड कैटेगरी, दैट वॉज द ऑपरेटिंग सरप्लस विच इंक्लूड्स रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। देन द लास्ट इट इज कॉल्ड एज द मिक्सड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इनकम ऑफ द ओन अकाउंट वर्कर्स, जो अपना काम खुद कर रहे हैं, लाइक फार्मर्स है, डॉक्टर्स है, बार्बर्स हैं, एंड अन इनकॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस, जैसे छोटे छोटे स्मॉल कीपर्स, रिपेयर शॉप्स मार्केट में खुली हैं, उनकी जो इनकम है दैट इज कॉल्ड एज द मिक्सड इनकम, बिकॉज दे डू नॉट मेंटेन एनी अकाउंट फॉर देयर इनकम। सेकेंड, दे आर यूजिंग देयर ओन रिसोर्सेज, लैंड, लेबर एक्सेट्रा, सो देयर फॉर इट इज डिफिकल्ट फॉर टू क्लासीफाई देयर इनकम एज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और ऑपरेटिंग सरप्लस, उनको सेपरेट करना मुश्किल है, तो जो भी इनकम आती है दैट इज कॉल्ड एज द मिक्सड इनकम। अब अगर डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है, डोमेस्टिक इनकम आपकी बन गई NDPFC, दिस इज कॉल्ड एज द डोमेस्टिक इनकम। ओके, डोमेस्टिक इनकम आ गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्सड इनकम। इफ यू वॉन्टेड टू कन्वर्ट दिस डोमेस्टिक इनकम इन टू नेशनल इनकम, देन एज यू नो के डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विल गिव यू द नेशनल इनकम। सो दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट नाउ द नेशनल इनकम। हाउ कैन वी कैलकुलेट द नेशनल इनकम? नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, बाय इनकम मेथड। दिस इज द फर्स्ट के यू हैव टू कैलकुलेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई। के कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई इंक्लूड्स ऑल दीज, वेजेस इन कैश, ओके, वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड, ओके, देन सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, ये आपके थ्री हो गए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के थ्री पार्ट। ओके, ए प्लस बी प्लस सी, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ गया। सेकेंड, यू हैव ऑपरेटिंग सरप्लस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, सो इट इंक्लूड्स रेंट एंड रॉयल्टी, नंबर वन। ओके, अगर आप अपनी बिल्डिंग और प्रॉपर्टी किसी को लीज आउट करते हो या रेंट आउट करते हो, देन यू विल गेट द इनकम, दैट इज द रेंट, ए। सेकेंड, इंटरेस्ट फॉर द कैपिटल, एंड देन थर्ड इज प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योरशिप की इनकम, प्रॉफिट आ गया। देन प्रॉफिट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, प्रॉफिट के तीन पार्ट हो गए। वन इज कॉल्ड एज डिविडेंड, डिविडेंड वो हिस्सा प्रॉफिट का जो शेयर होल्डर्स ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। सेकेंड, कॉरपोरेट टैक्स, जो गवर्नमेंट ले गई
एज ए डायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड ऑन द प्रॉफिट। ठीक है, थर्ड अब आप क्या कॉरपोरेट सेविंग्स और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिटेन्ड अर्निंग्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सो दीज आर द थ्री, ये सारा ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। मतलब इफ ऑपरेटिंग सरप्लस इज गिवन इट मीन्स ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ इट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर नहीं दे रखा ऑपरेटिंग सरप्लस इज नॉट गिवन देन यू हैव टू एड ऑल दीज। और अगर प्रॉफिट दे रखा है तो इसका मतलब डिविडेंड कॉर्पोरेट टैक्स एंड कॉर्पोरेटिव सेविंग इसमें है। इफ प्रॉफिट इज नॉट गिवन देन यू हैव टू एड अप एनी ऑफ द कंपोनेंट विच इज गिवन। ओके, इफ द प्रॉफिट इज गिवन एंड साइड बाय साइड डिविडेंड इज गिवन वी विल नॉट एड डिविडेंड बिकॉज डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ओके, देन थर्ड इज द मिक्सड इनकम। टाइम इज एक्सीडिंग नाउ। मिक्सड इनकम किसकी, जो अपना काम खुद कर रहे हैं जिनकी इनकम सेपरेट नहीं की जा सकती एनी ऑफ दीज, मीन्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अब इनको हम प्लस करते हैं, आपकी आ जाएगी डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम आ गई, दैट इज एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू, कैसे करोगे आप, नंबर वन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। एंड नेशनल इनकम इसी में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दिस विल गिव यू नेशनल इनकम, दैट इज द एनएनपी एट एफसी। सो यू हैव टू लर्न ऑल दीज इक्वेशंस टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स। ओके, बाय।